दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड का अभी अभी पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लाया हूँ। तो चलिए फटाफट से आंसर की मिला लेते हैं। आज की जो हमारी बुकलेट सीरीज है ये भी है दोस्तों। कल मैंने जो आपको 40 क्वेश्चन की सीरीज़ दी थी उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमारा वीडियो ज़रूर देखा करो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे आने वाले सेमेस्टर के बारे में बताया जाएगा कि उसमें पढ़ना क्या है, उसका सिलेबस क्या है और पेपर का पैटर्न क्या होगा अगले सेमेस्टर में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का मुख्यालय स्थित है, तो इसका आंसर होगा बंगलौर में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दो जीव जो इस प्रकार संबंधित हैं जिनमें एक लाभान्वित होता है लेकिन दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचती है कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा सहभोजिता कैनाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि नेरीटॉक्सिन प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा कि समुद्री केचुआ से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि पायरेथ्रिन किस पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, DDT के कीटनाशक गुणों की सर्वप्रथम खोज की, तो इसका आंसर होगा पाल हरमैन मुलर, पीए मुलर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा धूम्रक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड और इथिलीन डाइब्रोमाइड और निमेगान ये सभी जो है मृदा धूम्रक हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस कीटनाशक को प्रतिबंधित किया था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में बताया था, तो इसका ऑप्शन होगा इंडोसल्फान, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, DDT को विषाक्तता को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो इसमें जो है डीहाइड्रोक्लोरिनेज एंजाइम जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कीटनाशक है, तो इसका आंसर होगा पैराथियन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 10वां नंबर पायरेथ्रम है एक, तो पायरेथ्रम जो है वो एक एक्जॉनिक है यानी अक्ष तंतु जहर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा 10वां नंबर का। अगला प्रश्न है कि मध्यम जहरीले कीटनाशक का LD50 गुण के है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 501 से 5000 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा पीड़कनाशी खपत वाला राज्य है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्ण जैविक राज्य है, तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने बताया था अपने वीडियो में। अगला प्रश्न है कि पिप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड है एक, तो पिप्रोनिल ब्यूटॉक्साइड जो है सिनर्जिट है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, महीन फुहार की बूंद का आकार होता है, तो इसका आंसर होगा 100 से 400 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम संश्लेषित पायरेथ्राइट्स है, तो इसका आंसर होगा एलिथ्रिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, सिट्रोनेला और यूकेलिप्टिस तेल की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिपेलेंट, दूर भगाने वाली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 18 नंबर, आर्गेनोक्लोरीन विषाक्तता में विशिष्ट विषहार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगला प्रश्न है कि कीटनाशकों के समरूपण के मिश्रण से होता है, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन भी हमने बताया था, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि अजाटिरेक्टिन निरोधक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, PTTH का। अगला प्रश्न है, एंटीफीडेंट है, तो एंटीफीडेंट जो है वो एक ट्राइऑक्सिन और आर्गेनोटीन और कार्बामेट ये सभी जो एंटीफीडेंट हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बुरकाव सामान्यता किया जाता है, तो ये जो है मॉर्निंग के समय किया जाता है, प्रातःकाल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, फेरोमोन शब्द दिया, तो इस क्वेश्चन को भी हमने अपने वीडियो में दिया था, ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पीटर कार्लसन एंड अडोल्फ विडोंट द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रथम कीट लिंग फेरोमोन है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बुकॉल, ये क्वेश्चन भी हमने बताया था। अगला प्रश्न है कि फेरोमोन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सैंपलिंग मॉनिटरिंग और सर्वे सबके लिए किया जाता है। दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग के नोट्स और पिछले साल का पेपर का सॉल्यूशन जो है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आप लोग आराम से उसको पढ़िएगा, क्योंकि उसमें 6 दिन का गैप है। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। 26 नंबर है, ट्राइमेडुलर के प्रभाव से कौन सा कीट आकर्षित होता है, तो इसका आंसर होगा मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमध्य सागरीय फल मक्खी। अगला प्रश्न है कि चने के फली वेधक
को आकर्षित करने के लिए कौन सा फेरोमोन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोल्योर। अगला प्रश्न है कि सचेतक फेरोमोन का उदाहरण है, तो सचेतक फेरोमोन का उदाहरण जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, हेप्टेनोन, यानी कि ये अलार्म फेरोमोन है। अगला प्रश्न, चौथी पीढ़ी के पीड़कनाशी हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड, तो ये जो है एंटी हार्मोनल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? तो ये जो है 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मघाती नियंत्रण है? तो इसमें जो है कीमोस्टेरिन, ये क्वेश्चन भी हमने अपनी वीडियो में दिया था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कीट बंधता तकनीकी की खोज की, तो कीट बंधता तकनीक की खोज ईएफ निपलिंग ने 1937 में की थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि कीटों में किशोर हार्मोन का क्या प्रभाव है? तो इसमें जो है सभी ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि विच हार्मोन रिलीज फ्रॉम इग्डाइसॉल ग्लैंड, यानी त्वक ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें जो है मोल्टिंग हार्मोन, निर्मोचक, निर्मोक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, कि प्रतिकिशोर हार्मोन है, तो इसमें जो है प्रीकॉशन यानी कि एंटी जुवेनाइल हार्मोन जो है वो प्रीकोसिन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काइटिन संश्लेषित निरोधक है? तो इसमें जो है ये सभी जो है काइटिन संश्लेषित निरोधक हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो इसे जो है ऑटोकोलॉजी, स्वपरिस्थितिकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में पादप सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो रवि प्रकाश जो है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आम का कीट पीड़क संगरोध के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो है आम के गुठली विविल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू संगरोध नियम लागू हुआ वर्ष में, तो जो है डोमेस्टिक क्वारंटाइन एक्ट ये 1971 में लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी कीट नहीं है? तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा डी नंबर, क्योंकि ये सभी जो है फॉरेन इंसेक्ट हैं। अगला प्रश्न है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन और स्टोरेज कब स्थापित किया गया? तो ये जो है 1946 में स्थापित किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो कीटनाशक अधिनियम जो है वो 1 अगस्त 1971 को लागू होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 2020 तक कितने व्यावसायिक पीड़क नाशी पंजीकृत हो चुके हैं? तो इसमें जो है 292। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियो में दिया था, इसमें से किस पीड़क का घरेलू संगरोध महत्व है? तो इसमें जो है उपरोक्त तो सभी होगा, ये पिछले बार क्वेश्चन में पेपर में आया था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला है, पारिस्थितिकी शब्द की खोज की थी, यानी कि इकोलॉजी शब्द की खोज की थी, तो इकोलॉजी शब्द की खोज अर्नेस्ट टेकल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं, तो इसमें जो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह क्वेश्चन भी हमने दिया था। अगला प्रश्न है कि प्राणी जो अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रख पाते हैं, तो इसमें जो है पाइक्लोथर्मिक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम जोन में कीट निष्क्रिय रहता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से अन्य कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो इसमें जो है 10% होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, पारद वाष्प लैंप का प्रयोग कीटों में होता है, तो ये जो है आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, कुछ कीट जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं कहलाता है, तो इसे जो है बायो जैव दीप्ति कहा जाता है, बायोल्यूमिनेसेंट। अगला प्रश्न है कि कीट पीड़क जब एक वनस्पति कुल के पौधे को खाते हैं कहलाते हैं, तो इसे जो है ऑलोगियोफैगस कहा जाता है, क्योंकि इसमें फैमिली दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वजाति भक्षण कीट है, यानी कि कैनाबॉलिज्म इंसेक्ट, तो कैनाबॉलिज इंसेक्ट जो है ये सभी हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक कीट की लार्वी किसी दूसरे कीट के भोजन तथा उसके शरीर में विकसित होने को कहते हैं, वन इंसेक्ट लार्वोफिड डेवलप्ड विद इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट नोन एज, तो उसे जो है पैरासिटॉइड कहा जाता है, परजीवी आप दोनों। ये क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियो में दिया था। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पर। अगला है कि घनत्व तो आश्रित कारक है, यानी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, तो ये जो है बायोटिक फैक्टर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, कीट पीड़क जो पृथक स्थानों पर पाया जाता है कहलाता है, तो ये स्पोरेडिक कदाचनिक कीट पीड़क कहलाता है। अगला प्रश्न है कि काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी द्वारा IPM को किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो ये जो है 1972 में स्वीकार किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पीड़कों की न्यूनतम जनसंख्या जो आर्थिक क्षति पहुंचाती है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर
ए सही होगा, ETL, सॉरी EIL, अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक संख्या प्रबंधन की अवधारणा प्रतिपादित की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, गियर और क्लार्क ये जो है थोड़ा घुमा दिया गया है 1961 द्वारा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपको प्लांट ब्रीडिंग के नोट्स और पेपर, पिछले साल के पेपर का सोल्यूशन जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा।